नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर के सुभाष नगर क्षेत्र की आरके कॉलोनी में बीती रात बहन को छेड़ने से नाराज भाइयों ने एक युवक की बैट व बेसबॉल के डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद मोहल्ले में दहशत फैल गई। इधर सूचना मिलने के बाद एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा, सीओ सदर रामचंद्र चौधरी, सुभाष नगर सीआई नंदलाल रणवा, प्रताप नगर सीआई राजेंद्र गोदारा में जाब्ता मौके पर पहुंचे और घायल युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुभाष नगर थाना प्रभारी नंदलाल रणवा ने बताया कि थाना क्षेत्र के आरके कॉलोनी में सत्यम कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में सनमून स्कूल के पास बाइक सवार बदमाशों ने विवाद के बाद इसी मोहल्ले में रहने वाले कन्हैयालाल उर्फ पिंटू कुमावत के साथ बैट और बेसबॉल के डंडों से मारपीट की, जिसके कारण कन्हैयालाल बचकर भागने लगे, लेकिन कुछ मीटर की दूरी पर जाकर गिर गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाइक सवार बदमाश वारदात के बाद मौके से फरार हो गए, जिनमें से देर रात संजय सहित कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक कन्हैयालाल कुमावत के खिलाफ कुछ दिन पहले क्षेत्र की एक युवती को छेड़ने की शिकायत की थी। उस समय भी कन्हैयालाल के साथ युवती के परिजनों ने मारपीट की। मंगलवार रात को युवती के भाई व उसके दोस्तों ने इसी कारण से उस पर हमला किया था। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर मामले की जाँच में जुटी है। दिनांक 28/3/2023 को समय करीब रात्रि 11:15 बजे इतला मिली के आरके कॉलोनी में कोई झगड़ा हुआ है और उसमें एक व्यक्ति सड़क पे पड़ा है। मौके पे जाके देखा और आसपास पूछताछ की तो वहाँ एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसका नाम पता पूछा तो कन्हैया लाल उर्फ पिंटू पुत्र मच्छिंद्र नाथ, जो आरके कॉलोनी का ही था, उसकी वो बॉडी पाई गई, जिसकी बॉडी पे चेहरे पे नाक से खून आ रहा था, कुछ चोट के निशान थे, उसके पेट पे भी पीठ पे भी डंडे और लाठियों से मारी हुई थी, जिसको एमजी में भिजवाया गया। उसके पिताजी ने थाने पे उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की है। जिसके सामने आया सर, इसमें अभी प्राइम फेशिया कारण जो आया है वो ये है कि होली के दिन जो मृतक है उसने जिन्होंने मारपीट की उनकी सिस्टर के साथ कोई छेड़खानी जैसी हरकत की है, जिसका बदला लेने के लिए ये उन्होंने मारपीट करके हत्या को अंजाम दिया है। अभी हाँ, अभी हमने प्राइम फेशिया जो इंट्रोगेशन है उसके लिए तीन लोगों को हम लेके आए हैं, उनसे इंट्रोगेशन की जा रही है, जल्दी खुलासा इसका किया जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पिछले 10 दिनों से प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं। भीलवाड़ा में 54 प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज भी बंद है। इस कारण महात्मा गांधी चिकित्सालय में मरीजों का दबाव बढ़ गया है। चिकित्सालय लय की ओपीडी 3000 से पार हो चुकी है। सभी वार्ड लगभग मरीजों से फुल हो चुके हैं। वहीं ऑपरेशन वार्ड में रूटीन के सभी ऑपरेशन को टाल दिया गया है, केवल इमरजेंसी ऑपरेशन ही किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी चिकित्सालय की ओपीडी में बुधवार को प्राइवेट डॉक्टरों की हड़ताल का असर साफ नजर आ रहा था। हजारों की संख्या में मरीज डॉक्टरों से जांच करवाने, पर्ची लेने के लिए लाइनों में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर को छोड़कर सभी डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं, इससे मरीजों को राहत मिली है। भीलवाड़ा में संचालित हो रहे 54 प्राइवेट हॉस्पिटल के बंद होने के बाद महात्मा गांधी हॉस्पिटल की ओपीडी लगभग 40% तक बढ़ चुकी है। आम दिनों में महात्मा गांधी हॉस्पिटल की ओपीडी 1700 तक रहती है। पिछले 5 दिनों से यह ओपीडी 3000 से बाहर पहुंच चुकी है। भार बढ़ा है, गंभीर मरीजों की संख्या और ओपीडी की संख्या सब बढ़ी है। डायलिसिस के पेशेंट बढ़े हैं, सीटी एमआरआई के पेशेंट बढ़े हैं, डिलीवरीज बढ़ी हैं, सीजेरियन सेक्शन बढ़े हैं, हार्ट अटैक के रोगी बढ़े हैं। और हमारा कोशिश यही रहती है कि कोई भी गंभीर मरीज जो है उसको पूरा इलाज मिले, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको इमरजेंसी में समुचित उपचार नहीं मिले। एवरेज कितना परसेंट बढ़ा है सर, ओपीडी की बात करें तो? सर ये पर डे वेरी करता है, अराउंड 40-60% बढ़ गया है। क्या व्यवस्था है, अलग से आपको करनी पड़ेगी, कोई वार्ड खोलने पड़े? सर ऐसा है कि जब वर्कलोड बढ़ता है तो सभी तरह से बढ़ता है। आउटडोर के अंदर वार्ड बॉय बढ़ाने पड़ते हैं, ट्रॉली व्हीलचेयर्स बढ़ाने पड़ते हैं, आईसीयू सीसीयू के बेड बढ़ाने पड़ते हैं, एनआईसीयू अलग से 10 बेड की एक्स्ट्रा क्रिएट करनी पड़ी है, एक एक्स्ट्रा वार्ड करना पड़ा है। एंड कई बार आपने देखा होगा कि
एमरजेंसी में मरीजों को बेंचों पर भी लेटाना पड़ रहा है, लेकिन हम फिर उसको तुरंत बेड भी प्रोवाइड करते हैं। एक रोटेशन है, पूरा प्रयास मेरा ये रहेगा कि सीरियस पेशेंट इग्नोर नहीं हो। सर, निजी चिकित्सकों के समर्थन में रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पर गए और सामूहिक अवकाश देने का एक कर रहे हैं। सर, इस पे इस मामले में हमारे प्रिंसिपल साहब ने ऑर्डर निकाल रखा है कि कोई भी व्यक्ति अवकाश पे आज नहीं जा सकता है। ये एक अलग विषय है, मेरा विषय यह है कि मैं ये प्रयास करूं कि सीरियस पेशेंट और गंभीर मरीज जो हैं, आईसीयू के पेशेंट हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनको मैं समुचित उपचार उपलब्ध कराऊं। सामूहिक अवकाश की जहां तक बात है सर, कितने डॉक्टर एमजीएच में? सर, उसकी एक लिस्ट बनती है, प्रतिदिन उसको सरकार की सूचना भेजी जाती है। 9 बजे भेजनी होती है। उपनियंत्रक बना रहे हैं, उपनियंत्रक यही काम कर रहे हैं। मेरा जो बेसिक काम है, मैं उन लिस्टों को बनाने के बजाय इस चीज पे ध्यान देना मेरा जरूरी है, राउंड लगा लगा के सब जगह देखने के कि पेशेंटों को, सीरियस पेशेंटों को उपचार मिले। पेशेंट्स की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी चिकित्सक हड़ताल में शामिल नहीं है नए अवकाश पे, इसलिए पूरा प्रयास करके सबको देखा जा रहा है। कितने डॉक्टर हैं सर और आज क्या? 111 परमानेंट डॉक्टर्स हैं, इसमें सभी उपस्थित हैं, और खाली जो डीएनबी पीजी स्टूडेंट हैं वो आज हड़ताल पर हैं, बाकी जो हमारे परमानेंट डॉक्टर्स हैं वो सारे सभी ड्यूटी कर रहे हैं। एक्सट्रा डॉक्टर्स की डिमांड करी थी पीएमओ साहब ने, मेडिकल स्टूडेंट सुप्रिंटेंडेंट साहब ने, तो वो सीएमओ साहब ने 14 डॉक्टर्स भेजे फिर से। ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है यहाँ के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर या छुट्टी पर चले जाएँ, तो उसको इन एडवांस उसकी तैयारी करके 14 डॉक्टर्स फील्ड से मांग लिए थे, वो सभी आ गए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों पर शक्तियों को विकसित करती है। आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डांसर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजिस्ट। जैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। ए स्कूल विच इज इक्विप्ड विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज विच गिव ऑल ओवर डेवलपमेंट टू योर चाइल्ड, स्टिमुलेट्स द थॉट ऑफ योर चाइल्ड्स माइंड। वी हैव हाईली स्किल्ड टीचर एंड कंफर्टेबल एनवायरमेंट ड्राइव्स योर चाइल्ड माइंड। हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जाँच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50-90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र 525 रुपए में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसव, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ।
डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधारकर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अनियंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरियंत हॉस्पिटल अरियंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482-250-290-253-101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर जी एल शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर एस एन नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सनातन संस्कृति के आराध्य भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी पर्व गुरुवार को धर्मनगरी भीलवाड़ा के निवासियों के लिए खास मनाने की तैयारियां कर ली गई है। सुंदरकांड की चौपाइयों के साथ चंग की थाप भी होगी तो भव्य राम जन्मोत्सव की झांकी सजाने के साथ आतिशबाजी करके में खुशी का इजहार किया जाएगा। श्री राम मंडल सेवा संस्थान की ओर से रामनवमी के अवसर पर पहली बार शहर के स्टेशन चौराहे पर सनातन नववर्ष आगमन का स्वागत करने के साथ भव्य राम जन्मोत्सव का आयोजन होगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। श्री
ग्राम मंडल सेवा संस्थान की बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। संस्थान के अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता ने बताया कि राम जन्मोत्सव को भव्य एवं गरिमापूर्ण तरीके से मनाने के लिए सुंदरकांड पाठ के साथ गौरवमय सनातन संस्कृति के प्रतीक विभिन्न आयोजन होंगे। शाम 7:15 बजे से होने वाले इस आयोजन के तहत शुरू में सालासर बालाजी की अखंड ज्योत के साथ 1008 बड़े दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। सालासर बालाजी की अखंड ज्योत कार्यक्रम के अंत तक जलती रहेगी एवं आयोजन में शामिल होने वाले हर श्रद्धालु 3-3 आहुतियां दिलाई जाएगी। राम दरबार की भव्य झांकी सजाई जाएगी एवं राम जन्मोत्सव की बधाइयां दी जाएगी। केक काटकर भी भगवान राम के जन्मदिन की बधाई दी जाएगी। रंगोली उत्सव के माध्यम से आकर्षक रंगोली सजाई जाएगी। सुंदरकांड पाठ मुकुंद सिंह राठौर के मुखारबिंद से होगा। चंग धमाल की आकर्षक प्रस्तुति शेखावटी से आने वाले कलाकार देंगे। इस दौरान बांसुरी, नगाड़े, सैक्सोफोन के साथ चंग बजाई जाएगी। आयोजन के तहत भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी। महाआरती के बाद समावनी का प्रसाद वितरित किया जाएगा। श्री राम मंडल सेवा संस्थान के कार्यकर्ता शहर के प्रमुख बाजारों में पीले चावल बांट श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाले इस आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण प्रदान कर रहे हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रभारी नियुक्त करने के साथ विभिन्न कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व दिए गए हैं। आयोजन स्थल पर रामनवमी एवं राम जन्मोत्सव की बधाई देने वाले बैनर भी विभिन्न भक्तों एवं संस्थाओं की ओर से लगाए जाएंगे। श्री राम मंडल सेवा संस्थान भीलवाड़ा द्वारा 30 मार्च गुरुवार शाम को 7 बजे से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वल करके सिटी कंट्रोल रूम स्टेशन के सामने श्री राम मंडल सेवा संस्थान द्वारा एक विशेष सुंदरकांड पाठ मुकुंद सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में किया जाएगा राम जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में। इस कार्यक्रम में विशेष जो आकर्षण रहेगा वो बालाजी की अखंड ज्योत चलेगी 3.5 घंटे और वीणा कैसेट के कलाकार शेखावटी से आकर छंग बजाएंगे बांसुरी और नगाड़े पर और राम दरबार की विशेष झांकी रहेगी और रंगोली सजाई जाएगी विशेष तौर से और 1008 दीपक राम जन्म महोत्सव पर जलाकर और आतिशबाजी भगवान के जन्म पर आतिशबाजी की जाएगी और सोमणी प्रसाद भोग और मावे का केट भी काटा जाएगा और दरबार को विशेष प्रकार के फूलों से सजाया जाएगा। ये इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण है और भीलवाड़ा में राम जन्म महोत्सव सिटी कंट्रोल रूम के बाहर इतना बड़ा भव्य आयोजन पहली बार श्री राम मंडल सेवा संस्थान ने करने का बेड़ा उठाया है और इस कार्यक्रम में हमारे संस्थान के सारे पदाधिकारी जो है जो मार्केट में पीले चावल बांट रहे हैं राम जन्म महोत्सव के लिए और अलग अलग कमेटियां बनाई गई है, सभी काम बांट दिए गए हैं। इसमें हमारे प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं और बहुत से मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इतने जोर जोर से लगे हुए हैं कि उनको उनमें इतना उत्साह है कि शायद भीलवाड़ा का ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ भीलवाड़ा की जनता ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में पधारें और देखें राम जन्म महोत्सव को और इस कार्यक्रम में जो भी लोग पधारे बहुत अच्छी बात है। और श्री राम मंडल सेवा संस्थान अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता। रोडवेज बस स्टैंड से शक्तिधाम दुर्गा माता मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पुजारी सत्यनारायण कुदाल ने बताया कि 29 मार्च को दुर्गाष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। 30 मार्च को पूजन पाठ हवन के साथ रात्रि 9 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। 31 मार्च शुक्रवार को प्रातः 10:15 बजे 108 कन्याओं का पूजन, महाआरती एवं प्रसाद वितरण में पूर्णाहुति का कार्यक्रम रखा गया है। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती ढेलाना गांव में पेट्रोल पंप के पास मिनी बस ने बाइक सवार 2 जनों को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार दोनों ही गंभीर घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया। सूचना पर सवाईपुर चौक पुलिस मौके पर पहुंची। कांस्टेबल राजूलाल ने बताया कि मांडलगढ़ से भीलवाड़ा के बीच चलने वाली एक मिनी बस ने ढेलाना गांव में पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार 2 जनों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार बड़लिया निवासी मुकेश पिता, मवर खटीक व देवराज पिता सीताराम ब्राह्मण
घायल हो गया। घायलों को सवाईपुर 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं टक्कर मारने के बाद बस चालक बस को लेकर फरार हो गया, जिसको पुलिस की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने रुकवा लिया। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों व राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई तथा कुछ देर तक एक तरफा यातायात बाधित रहा, जिसको बाद में पुलिस ने सुचारू किया। आज बुधवार को शाम की सब्जी मंडी झूलेलाल मंदिर में चैत्र नवरात्रा की महाअष्टमी पर 101 कन्याओं का पूजन कर उनके चरण धुलवाकर व उनका माल्य अर्पण कर कन्या पूजन किया गया। मंदिर सेवाधारी मूलचंद भैरवानी ने बताया कि आज मंदिर में बड़े सवेरे से माता के भजनों व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन का आयोजन कर 21 जोड़ों सहित कई सेवाधारियों व श्रद्धालुओं ने आहुतियाँ दी। इससे पूर्व पंडित दशरथ मेहता के द्वारा श्लोकों से यज्ञ देवता का आह्वान किया गया। मंदिर में इस दौरान क्षेत्र के निवासियों द्वारा छप्पन भोग का आयोजन भी किया गया। इसके बाद माता व भगवान झूलेलाल की महाआरती कर पल्लव अरदास के पश्चात कन्याओं को मिठाई व बाल सुलभ सामग्री व माया भेंट की गई। संस्था अध्यक्ष चेलाराम लखवानी व सेवाधारी अध्यक्ष हेमंतदास भोजवानी सभी कन्याओं व भैरू जी के चरण धुलवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया व उन्हें खीर हलवा युक्त भोजन करवाया। कार्यक्रम के अंतर्गत गायक बाबूलाल शर्मा के माता व झूलेलाल भगवान के जयकारों पर झूमकर नृत्य भी किया गया। इस दौरान भगवान दास नथरानी, हरीश मानवानी, रामचंद्र खोतानी, घनश्याम मोतियानी, नरेंद्र रामचंदानी, राजकुमार गुरनानी, हर्षिता गुलशन विधानी, पलक विजय गुरनानी, संदीप लुधानी, सुरेश भोजवानी, वासुदेव मोतियानी, नारू लालवानी, रेखा हनुमान लखवानी, रश्मि कमल हेमनानी, निर्मला भोजवानी, परसराम खोतानी, घनश्याम शामनानी, हितेश लचवानी, हरीश राजवानी, रमेश पमनानी, विजय नेहलानी, मंगलदास देवनानी, दर्शन कुमार, ओम गुलाबनी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। अंत में सभी श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। अखिल मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा दुर्गा अष्टमी पर आज माता रानी की पूजा अर्चना की गई एवं मां दुर्गा की आरती सभी महिलाओं द्वारा की गई। अध्यक्ष आशा समदानी, सचिव मधु लड्ढा ने बताया कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां दुर्गा पर प्रश्नोत्तरी रखी गई। उसमें प्रथम उर्मिला अजमेरा एवं मंजू दरक, द्वितीय मधु हिंगर, स्नेहा काबरा एवं सांत्वना पुरस्कार जया बंसल, उषा समदानी, शारदा टेलर, सरोज समदानी को दिए गए एवं सभी महिलाओं को अल्पाहार कर माता रानी के भजन एवं नृत्य महिलाओं द्वारा भजनों का आनंद लिया गया एवं मेरे घर आओ मैया द्वारा सजा है भारी एवं आजा मैया सजा दरबार तेरे आंगन में आदि भजनों पर महिलाओं द्वारा प्रस्तुति दी गई। सभी महिलाएं उपस्थित थी। उषा सोनी, उमा काबरा, संगीता पटवारी, रेणु कोकटा, अनुपमा मंत्री, उषा सोमानी, गीतिका नकलक, विद्या चौधरी, स्नेहलता समदानी, दीपिका बल्दुआ, बसंता दरगढ़, जतन हिंगड़, उषा पटवारी, सीमा बिरला, योगिता पांडे सभी महिलाएं उपस्थित थी। महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती पीड़िता को प्लेटलेट की कमी होने पर फ्रेश रक्त की जरूरत पड़ने पर कार्तिक जैन ने तत्काल महात्मा गांधी ब्लड बैंक पहुंचकर एसडीपी डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की है। रक्तवीर विक्रम दादीश ने बताया कि आरडीपी के लिए भी आज सुनील मेहता, खेमराज सालवी ने भी अपने रक्त से पीड़ितों को मुस्कान प्रदान की है। डॉक्टर अनिल लड्डा, नेमीचंद जैन, दीपिका का सहयोग सराहनीय रहा। रामायण मंडल सांगानेर की ओर से 2 अप्रैल को दोपहर 12:15 बजे सांगानेर स्थित रावला चौक माहेश्वरी भवन में श्री रामचरितमानस पर आधारित अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। महिलाएं एवं पुरुष वर्ग की अलग अलग व्यक्तिगत स्पर्धा होगी। प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। महिला एवं पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर रहे प्रतियोगियों के बीच मुकाबले में विजेता एवं उप विजेता की घोषणा की जाएगी। प्रतियोगिता के निर्णायक पंडित घनश्याम मानमनिया मांडल वाले होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।